हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल एवरलास्टिंग ड्रैगन एम्परर के एपिसोड नंबर 20 के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जा और चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड के। स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लूमिंग को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने स्टार्ट मतलब घेर लिया होता है वहाँ पर और सभी मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। तभी लूमिंग भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है अपनी फोर एनर्जी के साथ, वो भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसको देखने के बाद जैसे ही उसके अटैक को डॉज करता है जो जू फैमिली के मेंबर हैं मतलब वो जी कर सरप्राइज होता है, बोलता है ये कैसे पॉसिबल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दानवी फैमिली का जो मेंबर होता है उसे लूमिंग सिर्फ अपनी एक ही स्वॉर्ड से पेल देता है, मार देता है और उसके ब्लड एसेंस को मतलब ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी इंसेक्ट डेवियोरिंग इंसेक्ट के साथ। जिसको देखने के बाद वहाँ के जो लोग हैं दानवी फैमिली के वो कहते हैं हे लूमिंग तू वहीं पर रुक जाओ। और तभी में दिखाया जाता है लूमिंग सुनता नहीं है और उसके बाकी के जो मेंबर होते हैं उसे मारना काटना मतलब गाजर मूली की तरह काटना स्टार्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है सभी लोगों को उसने पेल दिया अकेले ही, लेकिन एब्जॉर्ब करने के कारण ज्यादा उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और भी ज्यादा पावरफुल होने लगता है और उसकी लाइट चमकने लगती है। ये देखने के बाद दानवी फैमिली के जो मेंबर हैं वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं अरे शिट, आखिरकार तुम दोनों किस चीज का इंतजार करने में लगे हुए हो। अगर हमने साथ में मिलकर काम किया और लूमिंग को यहाँ पर मार दिया, चलो साथ में काम करते हैं मतलब मारते हैं इसको। अब तभी वो दोनों मिलकर भी लूमिंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया था उसे कुछ गलत महसूस होने लगता है और तीनों की तीन पावर लूमिंग पर अटैक करती है। तभी लूमिंग इनके अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है और बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार मैं मास्टर रियलमी पर आ चुका हूँ, कितने पावरफुल होते हैं ये मास्टर रियलमी के। और अपनी ब्लड लाइन बस्ट का इस्तेमाल करता है और तभी हमें दिखाया जाता है सिर्फ अपने हेक हाथ से ही उन लोगों के अटैक को इजीली रोक लेता है। ये देखने के बाद वो सरप्राइज तो होते हैं लेकिन लूमिंग कहाँ मानने वाला, वो भी अटैक कर देता है दबा के। जिसको देखने के बाद जो मेंबर सामने जो लोग होते हैं वो सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और हमें दिखाया जाता है लूमिंग ने उसको भी मार दिया अपनी तलवार से। ये देखने के बाद जो जू फैमिली का मेंबर है वो सरप्राइज होता है मतलब डर जाता है और उस पर अटैक कर देता है लूमिंग पर और बोलता है तुम मर जाओ, गो टू हेल, पहाड़ में जाओ। तभी लूमिंग सरप्राइज होता है कि इसने चुपके से मेरे पर अटैक कर दिया, लेकिन वो तैयार होता है और बोलता है मेरे पास अभी भी दो ब्रीथ बची हुई हैं इसके अटैक को रोकने के लिए मेरे ब्लड लाइन की। और तभी वो भी अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करता है और उसकी गर्दन को गाजर मूली की तरह खच 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 करके काट देता है और वो अपनी गर्दन को पकड़कर वहीं पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर जो वो फैमिली के मेंबर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और डर जाते हैं, भाई लूमिंग कहाँ मानने वाला, गाजर की मूली की तरह काट रहा होता है। और मुझसे बोलता है अभी मुझे यहाँ से रिट्रीट करना होगा। तभी लूमिंग कहता है अब ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है कि तुम यहाँ से छोड़कर इस मैदान को जाओ। और वो वहाँ से भागकर भागना स्टार्ट करता है और बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है अच्छा ऐसी बात है, अब मैं तुमसे भाग नहीं सकता तो मैं तुमसे फाइट करूँगा। और तभी लूमिंग को अटैक कर देता है। तभी लूमिंग कहता है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा तेज हो गया। और लूमिंग भी उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और उससे पीछे से अटैक कर देता है, जिसके कारण उसका राम राम सत्य वहीं हो जाता है। और दूसरे हमें दिखाया जाता है तो बाकी के जो लोग होते हैं फाइट करने के लिए आया होता है वो फैमिली का मेंबर उससे कहता है आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने तो सभी को संभाल लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से भागना होगा और बाद में मैं अपने पप्पा से मतलब फादर से कहूँगा किसी एक्सपर्ट को भेजने के लिए लूमिंग को मारने के लिए। और तभी लूमिंग कहता है उसके सामने आ जाता है चटाक से और बोलता है तुम इस समय पर भी मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो। और तभी वो रोते हुए उससे कहता है ए लूमिंग, और उसके अपने घुटनों के बल उसके पास लेट जाता है, बैठ जाता है और बोलता है लूमिंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और तभी लूमिंग कहता है मैंने वही जू को पहले ही मार दिया है, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी वो कहता है लूमिंग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि आज जो भी हुआ मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताने वाला और ना ही किसी से कहने वाला हूँ, तुमने वही जू को मार दिया है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और भाई इसकी हंसी तो देखो, हंस रहा है और आंसू भी निकल रहे हैं। और तभी वो कहता है एक बार वेजू मर गया, अब जबकि मर चुका है तो वो अब कोई भी मेरे से कम्पीट करने के लिए नहीं है सिटी लॉर्ड की पोजीशन के लिए, तो मुझे तुम्हारा ज़रूर शुक्रिया करना चाहिए। तभी लूमिंग कहता है मैं तुम्हें मारूं नहीं और यहाँ पर तुम्हारे बदले का रिवेंज मतलब तुम्हारे बदले का इंतज़ार करूं, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ़ हूं। तभी वो कहता है नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। और तभी लूमिंग नहीं सुनता और उसको अपनी तलवार से काट देता है और यहीं पर वो टपक लिए पहुँच गए ना स्वर्ग, और करो उंगली करो करो। तभी लूमिंग कहता है बदकिस्मती से एक बंदा बचकर भाग चुका है, खैर छोड़ो चलो चलते हैं और इनके ब्लड एसेंस को सबसे पहले तो एब्जॉर्ब करते हैं, बिल्कुल सही समय पर आए हैं, अभी हीलिंग करने का समय है। तभी हमें पैरागॉन टेंपल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो कल्टीवेट कर रहा होता है अपने आप को लूमिंग। तभी लूमिंग कहता है
भले ही मेरा जो डेविडिंग इंसेक्ट है वो काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है, लेकिन ये काफी ज्यादा बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो हुआ है, इसलिए मेरी जो ट्रूक्यू है वो पूरी मिक्स हो चुकी है। अब मेरी जो ट्रूक्यू है वो पूरी तरीके से प्योर इनफ नहीं है, प्योर नहीं है, तो मुझे और द ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना बंद करना होगा कुछ समय के लिए, और इंतजार आराम से बैठकर कल्टीवेट करना होगा, काफी समय देना होगा अपने ट्रूक्यू को प्योर करने के लिए। तभी हमें 9 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर लूमिंग की पावर रिलीज हो रही होती है बहुत पूरी तरीके से, खतरनाक तरीके से कह लो, और मार्शल मास्टर रियलमी पर ब्रेक थ्रू कर जाता है लूमिंग, और लूमिंग कहता है कि अब मेरे पास 25 पॉइंट ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि मेरे को ब्रॉन्ज स्टूडेंट के लेवल तक प्रमोट करने के लिए काफी है, लेकिन मेरा जो गोल है वो स्प्रिट फ्रूट है, और वो अपने पॉइंट को लेकर वहां से निकल लेता है। और इसी के सरप्राइज के साथ, इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। अब आगे चल के हमें पता चलेगा कि आखिर इसके विचार क्या हैं और आगे क्या करना चाहता है। आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, बस ये एक चीज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल पे सेट कर दो और सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और कमेंट करके बताओ, तरह तरह एपिसोड आते रहेंगे जितना बताते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।